तना होगा, और तना तना मतलब जो कि ठोस होता है, और साथ ही क्या है, ये ऊपर निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो अगर ये आपका एलिमेंट, आपका ये बैलेंसिंग में है, तो क्या होगा कि आप जो है निरंतर ऊपर आगे प्रगति की तरफ बढ़ते चले जा रहे होंगे। और अगर कहीं रुकावट आ रही है, जैसे किसी का बिजनेस है या किसी की जॉब है, और उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है आगे बढ़ने में, या बिजनेस भी है, बिजनेस में रुकावट आ रही है आगे बढ़ने में, क्योंकि इसका काम क्या करना है, ग्रो अप करना। पेड़ पौधे की कितनी गति है उससे आइडिया लगा सकते हैं हम। अगर कोई पौधा है वो बहुत ही धीमे 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 बढ़ रहा है, तो यानी कि ये थोड़ा सा बैलेंसिंग कम है, और वो यदि अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, जिस स्पीड से उसे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से बढ़ रहा है, तो फिर यानी कि ये आपका बैलेंसिंग है। इसी तरीके से सेम जो है इंसान की प्रवृत्ति है कि अगर उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके ये एलिमेंट में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि इसका काम क्या है, निरंतर ऊपर बढ़ते रहना, ठीक है ना, ऊंचाई की तरफ ऊपर जाना और खुशहाली देना। जब छाया आती है इसकी, तब तो क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। तो इस तरीके से जो है इसका काम आपको समझ आ गया। अब चीज़ क्या आती है कि हमें अपनी लाइफ के लिए इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दो ही गैसें जो हैं हमारी बॉडी में जो है क्रिएशन करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो वो भी क्या है, वायु ही है, हवा का रूप है, वो भी गैस का रूप है, लेकिन वो हवा में ही आती है। तो इनका जो है, हमारी 8% जो बॉडी में हमारी वायु है, उसका बैलेंसिंग में रहना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रूप में रहना इनका बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि इसका स्वभाव, मैंने आपको बता दी स्वभाव क्या है इसका, निरंतर आगे बढ़ते रहना। अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। इसकी अगर हम इंद्रिय की बात करें, तो इसमें